गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। न्यू डे स्टार्टेड और साथ ही में हमारा डेली रूटीन भी। और आज नीर के टिफिन बॉक्स में बना था उपमा, जो कि बनाया था बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, ओनली अनियन डाल के। खैर, नीर चला गया अपने स्कूल और मैं भी निकल गई थी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। और आज मैंने कंप्लीट कर लिए थे अराउंड 3700 स्टेप्स। तो ऑफिस जाने का भी टाइम होने वाला था, तो जल्दी से रेडी होके मैंने स्टार्ट कर दिया था लंच बनाना। और लंच में आज मैंने बनाए थे घी के कोफ्ते। घिया टिंडा तोरी ये तो हमारे घर में बहुत कम बनती है, क्योंकि नीर और विनायक दोनों के काफ़ी नखरे होते हैं, लेकिन घिये के कोफ्ते दोनों खुश होकर खा लेते हैं, तो बस वही बन रहा था आज। घिये को स्क्वीज़ करके जो पानी निकला था उसको मैंने यूज़ कर लिया था कोफ्ते के बैटर में, और साथ ही में थोड़ा सा पानी बच गया था तो उसको मैंने ग्रेवी के लिए रख लिया था। और घिये के कोफ्ते आज मैंने ट्राई करे थे अप्पे पैन में। मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने रिकमेंड किया था कि घी के कोफ्ते आप अप्पे पैन में ज़रूर ट्राई करिएगा, तो बस आज मुझे वही ट्राई करने थे और सही में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बने थे। एक तरफ ग्रेवी रेडी हो रही थी और कोफ्ते ऑलमोस्ट डन थे, बस उसको थोड़ी देर और पकाया अल्टा पलटा और वो हो गए थे रेडी। ग्रेवी भी तैयार थी तो बस उसको लास्ट में गार्निश कर दिया था हरे धनिया के साथ, फ्लेम को किया ऑफ और फाइनली इसके अंदर डाल दिए थे कोफ्ते। तो लंच एक्सेट्रा सब कुछ रेडी था, पैक किया और मैं चल पड़ी थी ऑफिस। और आज मेरे कारपुल कुलीग फिर नहीं थे, वो गए हुए थे टूर पे, तो वही था एक सहारा ऑटो का, तो बस ऑटो किया और निकल पड़े ऑफिस। और आज रात को घर आके नीर की शर्त करनी थी पूरी। मेरे को ना एक ये बात समझ नहीं आती कि जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सुनूं तो आप फुटबॉल क्यों खेलते हो? क्योंकि वो मेरा स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल है? डिस्टर्बिंग स्टाइल है। कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आपका आंसर। ठक ठक की आवाजें आती रहती है। कॉन्टिनेंस कहाँ चले गए? कॉन्टिनेंस लैंड लैंड वर्सेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस एट कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और एज प्रॉमिस्ड नीर के लिए आ गया था गर्मा गर्म पिज्जा। देखो सब एक अपना आराम आराम से खाएंगे, अपने अपने ट्रेड वेट करके फिर अपने पूरे बक्सा अपने पास रखेंगे, ठीक है? आराम से हमारा अलग फ्लेवर है और हमारा छोटा पिज्जा है, ठीक है? हम दोनों मिलकर छोटा खाएंगे, हमसे नहीं खाया जाएगा। तो अब अपना एक आध पीस हमें दे देना टेस्ट करने के लिए। दो दे, आपको कितने चाहिए? दो दे देना। दो दे देना, एक मेरे को, एक मम्मा को बड़े। अब अपने मैंने मेरे को मेरे चार पीसेस। विश्वास नहीं अपने माँ बाप पे? नहीं मैम, खाने के चक्कर। पेरेंट्स पे इसको कोई विश्वास? खाने के चक्कर में पता। दे दो उसको, डाल दो, गिनती करने की जरूरत नहीं है, आप खाने पे फोकस करो। ये चारों मेरे अपने पास रखो, ठीक है? प्रोटेक्टेड हो गई है। चुराने की कोशिश हम नहीं करते ये काम, ठीक है ना? हमारा कुछ नहीं है, आपके काम है। मैं ऐसी में खा लूंगी, कोई नहीं। स्विमिंग जाना है याद रख लेना, उसी के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। सुनो, अगर ये सब होना नहीं चाहिए नीर। तो गाइस अभी मैं पिज्जा खा के आ चुका हूँ और भाई क्या लबाबदार, एकदम लबाबदार लजीज लहसुनी राजमेदार पिज्जा था। क्या मतलब राजमा डरे थे पर समझे, टेस्टी ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा पिज्जा था। बाहर से हमने मंगवाया था और गार्लिक ब्रेड भी मंगवाई थी। अभी मम्मी ने खिला दिया है, अच्छा था पिज्जा, तो बात तो माननी पड़ेगी। मैं कल से स्विमिंग जाऊंगा। कल से स्विमिंग जाना कंफर्म है ना? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हम भी कई वादे किए हुए तोड़ भी सकते हैं। चले जाऊंगा, चले जाऊंगा। इंग्लिश का आज था ना? हाँ। कैसा हुआ? अच्छा हुआ, होली आएंगे नंबर। हाँ होली आएंगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। समझो मेरे सामने जसप्रीत बुमराह खड़ा हुआ। वो तो बाद में, पहले बेसिक तो सीख लो। बेसिक सीख लिया मैंने। ठीक है देखते हैं। कैसे लग रही? एकदम रियल सी लग रही है ना, छिपकली एकदम, पर ये एक्चुअल में रियल है नहीं, जस्ट एक टॉय है। इसका नाम मैंने ऐसे छिप्पो रानी रखा था। तो ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और साथ ही फॉलो भी करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।